हाई गाइज़ वेलकम बैक टू आर चैनल साइंस माइंडस आई एम सजल भानुशाली और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्लास टेन का फर्स्ट चैप्टर इन बायोलॉजी दैट इज लाइफ प्रोसेस तो बच्चों ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी um, सेशन uh, है लाइक like, इंट्रोडक्शन करने वाले हम लोग इस पर्टिकुलर uh, सेशन में बट कंसिडर इट कि आप क्लास नाइन में अगर हो क्लास टेन में हो क्लास इलेवन में हो क्लास ट्वेल्व में हो ओके okay? तो कंसिडर करो ये आपके पूरे इंटायर नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ के बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है बिकॉज आज के सेशन में हम हम लोग देखेंगे बेसिस देखेंगे तो सी अगर बायोलॉजी में या कोई भी सब्जेक्ट uh, आप पढ़ रहे हो अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप आगे जाके सब कुछ अच्छे से समझ पाओगे पूरा चैप्टर या uh, पूरा सब्जेक्ट अच्छे से समझ पाओगे ओके तो लेट्स स्टार्ट यस एट दी एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि इसके आगे हम लोग कैसे टाइप के सेशंस करने वाले कैसे टाइप के लेक्चर्स होने वाले सो ट्यून्ड ओके तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है सबके लिए हम कहाँ रहते हैं तो आप लोग बोलोगे मैम हम तो घर में रहते हैं है न सी ओवरऑल जितने भी लिविंग बींग्स है लाइफ प्रोसेस चैप्टर कर रहे हैं हम लोग राइट right? तो पूरे जितने भी लिविंग बींग्स है वो कहाँ रहते हैं ऑब्वियसली वी लिव ऑन अर्थ अच्छा एक एक बात बता देती हूँ क्लास नाइन में आप लोगों ने जितना भी बायोलॉजी पढ़ा था इट वाज ऑल अलग अलग टाइप का था अलग अलग हमने डाइवर्सिटी में काफ़ी सारे अलग अलग एनिमल्स देखे प्लांट्स um, देखे ओके okay? तो काफ़ी सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था आपका क्लास नाइन का बायोलॉजी टिश्यू के टाइप्स थे सेल के टाइप्स थे ओके okay? तो इट वाज ऑल डिफरेंट क्लास टेन uh, में जितना भी बायोलॉजी होगा आपका ओके okay? जितना भी बायोलॉजी होगा दो ही पार्ट्स में डिवाइडेड होगा जो भी हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस में जितने पार्ट्स पढ़ेंगे या हेरिडिटी में या फिर रिप्रोडक्शन uh, या जो भी है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा फर्स्ट पार्ट विल बी फर्स्ट पार्ट विल बी प्लांट्स ओके एंड सेकेंड पार्ट विल बी ह्यूमन्स है ना दूसरे एनिमल ज़्यादा कंसिडर नहीं किए किए होंगे तो भी काफ़ी छोटा सा पार्ट कंसिडर किया होगा ओके okay, तो आपका क्लास टेन का जितना भी बायोलॉजी आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर ले लो आ, लाइफ प्रोसेसेस ले लो हेरिडिटी ले लो जितने भी चैप्टर्स हैं आपके बायोलॉजी में दो ही ऑर्गेनिज्म के अराउंड रिवॉल्व करेंगे प्लांट्स नहीं तो ह्यूमन्स ओके सो विद दैट इन माइंड लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर ओके तो माय क्वेश्चन वाज हम लोग कहाँ रहते हैं हम लोग अर्थ पे रहते हैं बट अर्थ पे हमारे साथ और भी कई सारी चीजें हैं यस ह्यूमंस के साथ और भी कई सारी चीजें वी हैव प्लांट्स वी हैव अदर टाइप्स ऑफ एनिमल्स हमारे पास एटमॉस्फेयर है हमारे पास लैंड है वाटर है ओके okay, तो अर्थ पे बहुत 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 सारी चीज़ें अप है यस yes, इनको ना क्लासीफाई uh, किया गया एकदम डाइवर्सिटी uh, वाला पार्ट थोड़ा थोड़ी देर के लिए भूल जाओ बेसिक क्लासिफिकेशन किया गया कि दो चीजों को सेपरेट आउट करना है अर्थ पे तो पहली चीज है अबायोटिक। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग एंड दूसरी चीज है बायोटिक बायोटिक मतलब क्या है बायोटिक दैट इज नॉन लिविंग एंड बायोटिक तो अर्थ तो पे जितनी भी चीज है बेसिक क्लासिफिकेशन किया दो हिस्सों में दो हिस्सों में इनको क्लासिफाई किया अब लिविंग है और नॉन लिविंग है तो आप लोग बोलोगे मैम लिविंग तो सीधे सामने सामने दिखते हैं हमको एनिमल्स दिखते हैं हम खुद लिविंग है देन यू नो हम लोग यहाँ वहां भाग सकते हैं फिर बा, बात करते हैं प्लांट्स की ओके okay, प्लांट्स तो यहाँ वहाँ नहीं जा सकते तो वो भी कैसे लिविंग में कंसिडर कर सकते हैं एंड एल्गे है अलग अलग टाइप के आप लोगों ने क्लास नाइन में डाइवर्सिटी में पढ़ा होगा कितने सारे लिविंग बींग्स के कितने सारे क्लासिफिकेशंस हैं तो ये लिविंग इनको लिविंग बींग्स कंसिडर किया और कुछ चीजें हैं उनको नॉन लिविंग कंसिडर किया ये किस uh, किस बेसिस पर उनको डिफ्रेंशिएट किया गया तो देर आर फ्यू फैक्टर्स जिसके बारे में हम लोग लाइफ प्रोसेस में पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले इन फैक्टर्स uh, के अराउंड आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर इवॉल्व करता है we have to keep these factors in mind. तो पहला फैक्टर देखते हम सर्वाइवल या फिर एनर्जी अब जो लिविंग बींग्स होते हैं वो सर्वाइव करते हैं यस लिव इसके लिए उनको बोला जाता है दैट दे लिव ओके जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है दे डोंट लिव दे एग्जिस्ट नॉन लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं लिविंग थिंग्स सर्वाइव करते हैं या दे लिव ओके उस सर्वाइवल के लिए तो उनके पास एक चीज बहुत जरूरी होनी चाहिए दैट इज एनर्जी और एनर्जी कहाँ से मिलती है हमको स yes, एनर्जी और बाकी बहुत सारे केमिकल uh, मॉलिक्यूल्स लगेंगे तो ये एनर्जी किस चीज़ से हमको मिलती है यस हमारा बॉडी क्या करेगा जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगी सो दैट इज मेटाबॉलिज्म ये आपने केमिस्ट्री में काफी पढ़ा होगा ये वर्ड मेटाबॉलिज्म यस मेटाबॉलिज्म क्या होता है इट इज इट इज बेस्ड ऑन टू स्टेप्स दो स्टेप्स होते हैं पहला है कैटाबॉलिज्म देन वी हैव एनाबॉलिज्म ये yes, कैटाबॉलिज्म क्या है ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स जो पुराने मॉलिक्यूल्स है ब्रेक डाउन होते रहते हैं और एनाबॉलिज्म दैट इज मेकिंग ऑफ़ न्यू मॉलिक्यूल्स जो न्यू मॉलिक्यूल्स uh, बनते रहते हैं बॉडी में तो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म पुराने जो मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक डाउन होते रहते हैं और एनाबॉलिज्म इज न्यू मॉलिक्यूल्स जो कि नए नए मॉलिक्यूल्स बनते रहते हैं अब ये सर्वाइवल वाला पार्ट तो समझ में आ गया ओके okay? तो लिविंग बींग्स सर्वाइव करते हैं नॉन लिविंग एग्जिस्ट करते समझे अब इसको ज्यादा डिटेल में फिलहाल तो नहीं जाना आगे जाके जाएंगे डिटेल में न्यूट्रिशन जब पढ़ेंगे रेस्पिरेशन जब पढ़ेंगे काफी डिटेल में पढ़ने वाले ये तो फिलहाल मैं फैक्टर्स बता रही हूँ फर्स्ट स्टेप इज डन दैट इज सर्वाइवल लगता है लिविंग uh, बींग्स को एनर्जी लगती है देन वी हैव अन थिंग दैट इज ग्रोथ यस ग्रोथ मतलब आप देख सकते हो आप खुद का ही एग्जाम्पल ले लो बहुत सालों पहले आप कभी आप अपनी पुरानी फोटो देखोगे तो पहले आप बेबी थे देन धीरे धीरे आपकी हाइट बढ़ी आप खुद बड़े हो गए यस इफ़ यू अ पपी अगर आप लोगों ने पपी को अडॉप्ट कर लिया किसी तो वो भी छोटा रहेगा फिर धीरे धीरे वो बढ़ेगा कोई प्लांट आप ग्रो कर रहे हो सीड से कोई प्लांट ग्रो कर रहे हो तो धीरे धीरे वो सैपलिंग बनेगा फिर प्लांट बनेगा फिर ट्री बन सकता है ओके okay, तो दिस इज ग्रोथ ये आप ये आप लोग बहुत फेमिलियर uh, हो ग्रोथ से बट देर इज वन थिंग वन थिंग इन ग्रोथ दैट इज इट इज वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस अब ये जो ग्रोथ है ये क्या है बच्चों वेल ऑर्केस्ट्रेटेड है वेल well ऑर्केस्ट्रेटेड मतलब क्या होता है ओके सपोज अ चाइल्ड इज ग्रोइंग अब ऐसा तो नहीं होता है ना कि चाइल्ड um, का एक कान बड़ा हो जाए yes, का, कान ही बढ़ता रहे फेस छोटा रह जाए है ना या फिर एक हाथ लंबा हो जाए एक हाथ छोटा ही रह जाए Yes, इसको ग्रोथ नहीं बोल सकते ग्रोथ इज अ वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस मतलब ओवरऑल ग्रोथ होनी चाहिए और दूसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट है दैट द ग्रोथ शुड बी इंटरनल अब ये इंटरनल क्या होता है क्यों इंटरनल बोल रहे लेट्स सी दिस इज अ सैंड ड्यून सैंड मोल्ड जो आप बोल आ, बोलना चाहो तो बेसिकली uh, ये छोटा सा हिल टाइप्स होता है एंड इट इज मेड अप ऑफ सैंड अब धीरे धीरे ना ये भी ग्रो करता है पहले छोटा हिल रहता है फिर इसके ऊपर और सैंड आती है इसके ऊपर और सैंड आती है एंड देन ये हिल जो है धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है अब ये भी तो बढ़ रहा है ये भी तो सभी जगह से बढ़ रहा है इसको ग्रोथ uh, बोल सकते हैं क्या नहीं राइट वी कैन नॉट कॉल दिस अ ग्रोथ क्योंकि ये इंटरनल नहीं है यस दिस इज नॉट इंटरनल तो वी कैन नॉट कॉल दिस एज अ ग्रोथ ये ग्रोथ में कंसिडर नहीं किया जाता सो ऑब्वियसली सैंड इज अ नॉन लिविंग थिंग राइट तो इसको ग्रोथ में कंसिडर नहीं किया जाता क्यों क्योंकि पहली बात तो वेल well ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं है दूसरी बात तो ग्रोथ इंटरनल होनी चाहिए अब आप बोलोगे मैम वेल ऑर्केस्ट्रेटेड तो प्लांट्स में भी नहीं है है ना प्लांट्स भी कहीं से भी बढ़ते हैं बट प्लांट्स डू हैव रूट्स सारे प्लांट्स के पास रूट्स होते हैं सारे प्लांट्स के पास लीव्स uh, होते हैं किसी के पास फ्लावर्स होते हैं फ्रूट्स होते हैं तो ये ऑर्गन्स तो होते हैं प्लांट्स के पार्ट्स तो होते हैं सारे प्लांट्स में तो चाहे वो कहीं से भी बढ़ जाए है ना तो यस yes, uh, uh, और प्लांट्स में ग्रोथ इंटरनल होती है सबसे मेन चीज तो ग्रोथ इंटरनल होती है तो uh, जो वेल well ऑर्केस्ट्रेटेड और इंटरनल ग्रोथ uh, का फैक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए यस yes, दो फैक्टर्स हो गए सो लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड फैक्टर दैट इज एजिंग यस एजिंग से भी आप लोग काफी फेमिलियर हो है ना तो जैसे लोग धीरे धीरे एक बेबी से हमारा जो ह्यूमंस का लाइफ साइकिल देखते हैं वी हैव अ बेबी ओके हमारे पास एग्जांपल के लिए एक बेबी है धीरे धीरे बेबी बड़ा होता है और बड़ा होता है द बेबी ग्रेजुएट्स फिर वो एक मैन uh, बन जाता है या फीमेल हो तो वो एक वुमेन बन जाते हैं uh, देन धीरे धीरे एज जैसे जैसे होता है पर्सन बूढ़ा होते चला जाता है तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि ये एजिंग है है ना तो यही चीज अगर आप नॉन लिविंग के पास देखोगे तो सपोज आई हैव दिस पेन दिस इज ज्यादा दूर नहीं जाता एग्जांपल के लिए आई हैव दिस पेन तो ये इसका एज नहीं होगा इस yes, भले ये पेन 10 साल पुराना हो एक साल पुराना हो या 100 साल पुराना हो. आ, आगे जाके 50 साल के बाद ये ऐसा ही रहने वाला है इसकी एज नहीं बढ़ने वाली ओके okay? तो जो पेन है इसमें एज में डिफरेंस नहीं ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा हाँ यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोलेंगे कि मैम लेकिन हमारा जो फर्नीचर है वो भी तो ऐसा कैसे रहता है एंड फर्नीचर इज मेड अप ऑफ वुड है ना ज़्यादातर वुडन फर्नीचर जो होता है वो प्लांट्स से ही आता है वुड और प्लांट्स तो लिविंग है राइट बट प्लांट्स फर्नीचर इज़ नॉट लिविंग इवन दो वो वुड से बना है उसको हम लोग लिविंग uh, बींग में कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज uh, अगर आज सपोज आई हैव अ चेयर ओके आई हैव अ वुडन चेयर तो शायद कुछ सालों बाद वो खराब हो सकती है वो मर नहीं सकती ओके okay, तो वुडन चेयर कैन नॉट डाई इसके लिए हम लोग आगे वाला पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके ओके लेट्स सी रिप्रोडक्शन अब ये ऑप्शनल है यस रिप्रोडक्शन हर लिविंग बीइंग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ऑप्शनल है ओके okay, तो वी कैन सी कि हमारे जो जितने भी एनिमल्स है या प्लांट्स हैं ओके दे प्रोड्यूस देअर ऑफ स्प्रिंग इवन प्लांट्स में भी आप देख सकते हो कि इफ यू हैव अ मैंगो सीड उसमें से मैंगो ही निकलेगा अब काओ जो है काउ के बेबी को दैट इज काफ को ही जन्म देगी यस yes. सो so, अपने जैसा सेम टू सेम ऑफ स्प्रिंग नॉट सेम टू सेम सिमिलर बीइंग प्रोड्यूस करना इज अज अपेसिटी इट्स नॉट अ नेसेसिटी लिविंग बींग्स के लिए बट वो कैपेसिटी होती है सब में राइट नेक्स्ट वी कम टू डेथ पार्ट जो मैं पहले एजिंग के टाइम पे रेफर कर रही थी ओके okay? तो जो नॉन लिविंग बींग्स है वो डाई नहीं हो सकते वो डिस्ट्रॉय हो सकते दे के नॉट डाई यस जो नॉन लिविंग बींग्स है जैसे प्लांट्स हम देख सकते हैं प्लांट को अगर पानी नहीं मिले तो प्लांट कैन डाई यस अगर ह्यूमन uh, बींग्स या जो भी एनिमल्स uh, की बात करते हैं हम लोग दे कैन डाई अब ये आप लोग बोलोगे कि मैम डाय कैसे कैसे पॉसिबल है आपको याद है हम लोगों ने सर्वाइवल किया था एनर्जी की थी हमने बोला था इसमें आ, हमने इसमें रेफर किया था एक चीज कि इसके लिए मेटाबॉलिज्म काफी इम्पोर्टेंट है है ना इसके लिए मेटाबॉलिज्म काफी इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए एनर्जी के लिए तो जब जब एक लिविंग uh, बीइंग की बॉडी में लिविंग बीइंग की बॉडी में मेटाबॉलिज्म करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है या yes, जब भी लिविंग बीइंग की बॉडी में कुछ ना कुछ रीजन के वजह से मेटाबॉलिज्म हो नहीं पाता या मेटाबॉलिज्म करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है एट दैट मोमेंट द लिविंग बींग डाइज है ना जब प्लांट को पानी नहीं मिल रहा तो प्लांट के काफी सारे प्रोसेसेस नहीं हो पा रहे ओके प्लांट को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है काफी सारे प्रोसेस नहीं हो पा रहे प्लांट में तो प्लांट को मेटाबॉलिज्म प्लांट की बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो नहीं पा रहा यस yes, तो प्लांट डाइज या फिर कोई भी एनिमल की बात कर लो देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेथ नेचुरल डेथ होती है कि बॉडी की अपने आप कैपेसिटी खत्म हो जाती है या फिर एक्सीडेंटल डेथ होती है कि किसी वजह से मेटाबॉलिज्म बॉडी में हो नहीं पाता तो मेटाबॉलिज्म हो नहीं पाता तो एनर्जी नहीं मिलेगी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो लिविंग बींग्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे गॉट एट अब ये चीज नॉन लिविंग बींग्स नहीं कर सकते नॉन लिविंग बींग्स को सर्वाइवल की जरूरत नहीं होती एनर्जी की जरूरत नहीं होती आप उनको कितना भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो दे के नॉट डाई दे आर डिस्ट्रॉयड बट दे के नॉट डाई नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दे लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस ये बहुत ही uh, ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक uh, चीज है ओके इट इज़ अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी दे रिस्पॉन्स टू चेंजेस अब चेंजेस मतलब कैसे थर्मल चेंजेस एंड बायोलॉजिकल चेंजेस थर्मल चेंजेस क्या होते हैं यस थर्मल नाम से ही पता चलता है क्लाइमेट चेंजेस है ना टेम्परेचर जब भी चेंज होता है अब आपके यहाँ पर ज्यादा ठंड हो जाए तो आपको ठंडी लगती है है ना स्वेटर पहन लेते हैं सब लोग या फिर बहुत ही ज्यादा गर्मी हो जाए बहुत धूप लग जाए तो आप लोग फैन चला लेते हो एसी चला लेते हो ज ह्यूमन बींग्स वी एज लिविंग बींग्स वी रेस्पोंड टू दिस टेम्परेचर चेंजेस बाहर आप देख सकते हो कि प्लांट्स की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी रिस्पोंड करते हैं यस स्प्रिंग सीजन में या ऑटम सीजन में काफ़ी ऑटम सीजन में काफ़ी पतझड़ होती है बोल सकते हो काफ़ी सारे पत्ते सूख के गिर जाते हैं यस yes, बारिश हो रही है बारिश का सीजन नजदीक है बारिश हो होने लगती है तो अब आपके अराउंड काफ़ी सारी ग्रीनरी देख सकते हो तो ये जो थर्मल ये बारिश से थर्मल चेंज नहीं है वैसे ओके okay, तो जैसे टेम्परेचर चेंज हो जाता है ना वैसे वैसे, वैसे, वैसे प्लांट्स भी रिएक्ट करते हैं ये इसके लिए सीजनल फ्रूट्स होते हैं ओके okay? तो इट इज बेस्ड ऑन थर्मल चेंजेस और काफी सारे बायोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं जैसे कि आपके बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस हुआ जो हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं ओके okay? तो बायोलॉजिकल uh, चेंजेस मतलब आई गिव यू एन एग्जाम्पल सपोज देर इज अ चाइल्ड एंड द चाइल्ड ग्रोज अप ओके चाइल्ड ग्रो अप होता है एंड व्हेन द चाइल्ड बिकम्स अ मैन उसके सपोज इट इट इज अ मेल इट स्टार्ट्स ग्रोइंग बियर्ड एंड ऑल डिफरेंशियट होते हैं सबसे पहले तो मेल और फीमेल ओके क्लियरली देख के हम लोग डिफरेंशियट कर पाते हैं द मेल डेवलप्स अ बियर्ड फेशियल हेयर काफी डेवलप हो जाता है ये सारे बायोलॉजिकल चेंजेस हैं थर्मल चेंजेस में आई गिव यू वन मोर एग्जांपल हम काफी सारे डॉग्स uh, देखते हैं जिनके बॉडी पे काफी सारा फर होता है है ना तो कुछ डॉग्स ऐसे जैसे, जैसे लोकल डॉग्स होते हैं तो हमारे इंडिया में टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है तो उनके बॉडी पे ज़्यादा बाल नहीं देख सकते बट जो इम्पोर्टेड डॉग्स होते हैं जो लोग पेट करने के लिए बाहर से मंगवाते हैं उनके बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फर आप देख सकते हो काफ़ी सारे हेयर आप देख सकते हो क्यों ऐसा होता है क्योंकि जो उनका ओरिजिन है वो जहाँ पर ओरिजिनेट हुआ है वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो एज एज अ रिस्पॉन्स टू दैट उनके बॉडी में बायोलॉजिकली ही बहुत सारे

तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग uh, चेंजेस है तो ये चेंजेस uh, ये जो चीज़ें हैं हम लोगों ने देखे सर्वाइवल ग्रोथ एजिंग रिप्रोडक्शन डेथ रिस्पॉन्स टू रिस्पॉन्स टू चेंजेस तो ये सारी चीज़ें जो है वो लिविंग बींग्स को नॉन लिविंग से अलग बनाती है और ये सारे फैक्टर्स ये सारे फैक्टर्स याद रखते हुए हम लोग ये जो लाइफ uh, प्रोसेसिस का जो चैप्टर है काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले uh, थोड़ा है थोड़ा लेंदी चैप्टर है यस yes, थोड़ा चैप्टर है बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ओके इंटरेस्टिंग चैप्टर लाइफ प्रोसेस क्या है व्हाट इज लाइफ प्रोसेस सोचो थोड़ा सा सोचो मैंने अभी बताया कि ये सारे फैक्टर्स हमको याद रखने तो लाइफ प्रोसेस पहली बात तो ये प्रोसेस है है ना कुछ चीज हो रही है कुछ चीज प्रोसेस हो रही है तो ये ऐसे प्रोसेस है जो ये सारी चीज़ें करने में हमको हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में ग्रोथ करने में एजिंग रिप्रोडक्शन डेथ या फिर रिस्पॉन्स चेंजेस ये सारी चीजें करने में ये सारी चीज़ें जो हमको नॉन लिविंग से सेपरेट आउट करती है ये सारी चीज़ें जो हमको नॉन लिविंग से अलग करती है ये सारी चीज़ें करने में जो प्रोसेस काम आती है जो प्रोसेस लगती है दोज आर योर लाइफ प्रोसेस है ना अब लाइफ प्रोसेस के बहुत सारे पार्ट्स हैं कौन से कौन से आपने नाम तो सुने ही होंगे टेक्स्ट बुक में है ना वी हैव व्हाट वी हैव एक्सक्रीशन वी हैव एक्सक्रीशन वी हैव डाइजेशन ये तो सब ह्यूमंस के फोटोज है बट uh, या फिर इसको न्यूट्रिशन भी बोलेंगे बट प्लांट्स के बारे में भी पढ़ने वाले हम लोग है ना रेस्पिरेशन भी पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में देन वी हैव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये अलग चैप्टर है बट ये लाइफ प्रोसेस ही है ओके वी हैव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देन वी हैव ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे बॉडी में प्लांट्स के बॉडी में वी हैव रिप्रोडक्शन ओके तो ये सारी जो प्रोसेसेस है जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है तो फिलहाल फोटोज तो ह्यूमंस के तो नियरेस्ट एज एन एग्जाम्पल आप ह्यूमन्स को कंसिडर करो ओके okay? तो ये सारी प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको बताया ये सारे ये सब करने में हमको हेल्प करती है ये सारी प्रोसेसिस तो दीज आर योर लाइफ प्रोसेसेस जो लाइफ uh, बनाने में हेल्प करती है ना दीज आर योर चैप्टर्स अब लाइफ प्रोसेस जो है ना बच्चों ये जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट है ये लाइफ प्रोसेस में ही आता है बट ये थोड़ा सा अम, बड़ा कंसेप्ट है इसके लिए आपको सेकेंड और फोर्थ चैप्टर ये जो है चैप्टर ही अलग कर दिया ओके ये चैप्टर जो है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन तो ये हेरिडिटी वाला चैप्टर थोड़ा सा अलग है इसमें ये भी बहुत इजी है एंड छोटा सा ही चैप्टर है ज़्यादा बड़ा है नहीं छोटा सा चैप्टर है बट ये तीन चैप्टर फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ ये कनेक्टेड है क्योंकि सेकेंड और फोर्थ चैप्टर जो है वो लाइफ प्रोसेस के ही पार्ट है ओके आई होप समझा है सबको एंड वंस अगेन आई विल टेल यू कि जो हमारे क्लास टेन का क्लास टेन का जो बायोलॉजी है इट विल रिवॉल्व अराउंड टू थिंग्स टू थिंग्स दैट इज प्लांट्स एंड ह्यूमंस है ना तो जो भी हम लोग लाइफ प्रोसेसिस पढ़ेंगे जैसे न्यूट्रिशन रहा रेस्पिरेशन रहा ट्रांसपोर्टेशन uh, एक्सक्रीशन रहा तो ये सब हम लोग प्लांट्स का पढ़ेंगे फिर ह्यूमंस का पढ़ेंगे प्लांट्स का पढ़ेंगे फिर ह्यूमंस का पढ़ेंगे ओके okay? पूरा चैप्टर में यही होने वाला है इवन रिप्रोडक्शन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सेम चीज़ है प्लांट्स एंड ह्यूमंस, हेरिडिटी में भी सेम ही चीज़ है प्लांट्स एंड ह्यूमंस, तो पूरा क्लास टेन का बायोलॉजी जो है वो दो ही ऑर्गैन uh, के अराउंड रिवॉल्व करेगा दैट इज़ प्लांट्स एंड